किसी भी विषय में प्राप्त डॉक्टरेट की उपाधि अधिकतर डॉक्टर और फिलोसॉफी ही क्यों कहलाती, जबकि दर्शन शास्त्र एक अलग विषय है। Why the doctorate in any subject or discipline is called or awarded as a doctor of philosophy mostly while the philosophy is a separate subject? एक ऐसा प्रश्न है जो कभी भी किसी छात्र के, शोधार्थी के, रिसर्चर के, किसी भी सामान्य व्यक्ति के मन में उठ सकता है कि ऐसा क्यों होता है कि जो डॉक्टरेट की उपाधि है उसमें डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी, फिलोसॉफी टर्म को क्या यूज किया जाता है, जबकि वो डिग्री किसी अन्य सब्जेक्ट से जुड़ी हुई ले रहा है, किसी अन्य सब्जेक्ट को पढ़ रहा है। और फिलोसॉफी एक अलग सब्जेक्ट है जिसको दर्शन शास्त्र कहते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? इसी बात को समझने के लिए एक छोटा सा प्रयास है, एक छोटा सा रिव्यू है जिसको हम चर्चा करेंगे। तो इस बात को विस्तृत रूप से जानने के लिए कि अलग अलग क्या क्या व्यू पॉइंट्स हैं या क्या क्या निकल के आता है जब हम रिसर्च करते हैं इस बात का, तो सबसे पहले हम यह जान लें कि डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी में जो डॉक्टर और फिलोसॉफी वर्ड का मीनिंग क्या है। जो डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी है जनरली उसको कहीं PhD कहीं डिग्री ये कहा जाता है, कहीं डॉट्स उसमें होते हैं, कहीं डॉट्स नहीं, किसी कंट्री में कैसे होता है और भिन्न भिन्न यूनिवर्सिटीज में भिन्न भिन्न तरीके से इसको यूज किया जाता है, प्रैक्टिस में लाया जाता है। और डॉक्टर है इसका क्या मीनिंग है, या डॉक्टरेट जो वर्ड है इसका क्या मीनिंग है? तो लैटिन जो मीनिंग इसका होता है टीचर होता है, और ये हाइस्ट एकेडमिक डिग्री होता है, हाइस्ट रिसर्च डिग्री होता है जो किसी यूनिवर्सिटी से हमें मिलता है। ये हाइस्ट रिसर्च डिग्री लेने के बाद मिलने वाला टाइटल है डॉक्टर, और ये डिग्री होल्डर को यूनिवर्सिटी में टीच करने का लाइसेंस प्रदान करता है। तो सीधे सीधे अर्थ में डॉक्टर एक ऐसा टाइटल है जो हाइस्ट एकेडमिक, हाइस्ट रिसर्च डिग्री लेने के बाद मिलता है, और रिसर्चर को, डिग्री होल्डर को लाइसेंस टू टीच प्रदान करता है। और जो फिलोसॉफी टर्म है इसका क्या मीनिंग है, तो ग्रीक मीनिंग जो इसका होता है लव ऑफ विस्डम, कि ये ज्ञान के प्रति जिज्ञासा है, ज्ञान के प्रति हमारा प्रेम है, ये ग्रीक मीनिंग जो इसका है, ये वर्ड मीनिंग हम इसको कहें। तो फिलोसॉफी जो टर्म है वो, या जो ये सब्जेक्ट है, ये पाइथागोरस ने कॉइन किया था जो ग्रीक फिलोसॉफर थे, और जो इसकी फॉर्मल डेफिनेशन है वो ये है कि स्टडी ऑफ फंडामेंटल क्वेश्चंस ऑफ विजडम, एग्जिस्टेंस, वैल्यूज एंड रीजन एटसेट्रा, वी यूज दीज मेथड टू स्टडी दीज क्वेश्चंस, क्रिटिकल डिस्कशन, रेशनल आर्ग्यूमेंट एंड सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन। और साधारण अर्थ में इसको कहें तो फिलॉसफी एक लॉजिकल इन्वेस्टिगेशन है ज्ञान के उन बेसिक आस्पेक्ट्स का जो लाइफ, नेचर और एग्जिस्टेंस को लेकर होते। तो अब हम बात करेंगे कि वेरियस व्यू पॉइंट्स क्या क्या हैं, जो हमारा थीम है, क्वेश्चन है, जो हमारा, उसको जब हम रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं, तो हम तीन पॉइंट्स उसमें पाते हैं। पहला है उसमें फिलॉसफी इन द ब्रॉडर सेंस, जो पूर्व फिलॉसफी टर्म यूज हुआ करता था, जो फिलॉसफी जो सब्जेक्ट था वो जैसे आजकल एक दर्शन शास्त्र एक सेपरेट सब्जेक्ट ऐसे ही ना होकर के ब्रॉड टर्म में यूज होता था, ब्रॉड सेंस में यूज हुआ करता था, जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स कवर होते थे। इसीलिए अभी वर्तमान में भी उसको PhD को डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी इसीलिए कहा जाता है कि जो पहले उसमें अवार्ड भी करती थी वो, क्योंकि फिलोसफी ब्रॉड सब्जेक्ट था, ब्रॉड एरिया कवर करता था, तो सारे ही सब्जेक्ट लगभग उसके अंदर आ जाते थे, लाइफ साइंस है, सोशल साइंस है, और भी अन्य साइंसेज, तो इसलिए उसको डॉक्टर ऑफ फिलोसफी एक हाइस्ट एकेडमिक अचीवमेंट के रूप में दे दिया था। और तो सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड जो इसके विषय तर्क है वो ये है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डिग्री नेम एज PhD, क्योंकि यह पूर्व में इस रूप में फिलोसॉफी ब्रॉड सेंस में था और हाइस्ट एकेडमिक डिग्री को PhD के रूप में ही दिया जाता था, तो प्रैक्टिस होते 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 वो अभी इस रूप में रूल हो गया है, एस्टेब्लिश हो गया है।
जैसे कंप्यूटर वर्ड की बात करें, कंप्यूटर शब्द है उसका मतलब होता है कंप्यूट करना, करना करना, लेकिन अभी वर्तमान परिवेश में उसको देखें, मॉडर्न परिवेश में देखें तो कंप्यूटर एक बहुत बड़ा मशीन है, बहुत बड़ी मशीनरी है जो बहुत सारे काम कर लेता है, केवल गणना है तो एक बहुत छोटी सी बात है उसके लिए। तो जैसे यह रूढ़ है उस रूप में, ऐसे ही पीएचडी को भी हम समझ सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च पॉइंट, रिसर्च जो होता है हमेशा एक नया एफर्ट होता है, एक न्यू एफर्ट होता है, न्यू अटेम्प्ट होता है जो अपने सब्जेक्ट मैटर से बियॉन्ड जाके काम करता है। जो सब्जेक्ट मैटर के दायरे में है उसको तो सब्जेक्ट का आप नाम दे सकते हैं, जो सब्जेक्ट के दायरे से बाहर जाता है, न्यू होगा, उसको सब्जेक्ट का नाम एकदम नहीं दे सकते। तो यह तर्क ये है कि इसलिए उसको डॉक्टर ऑफ फिलोसफी कहा जा सकता है। तो इसको हम फिगर के माध्यम से समझें, तो जैसा कि यहाँ पर फिगर में दिख रहा है, ये कोई भी इसको हम सब्जेक्ट मान लें, साइंस मान लें या बिहेवियरल साइंस मान लें, उसका एक अपना दायरा है, या साइकोलॉजी मान लें तो इसका अपना एक दायरा है। और इस दायरे के बाहर जाके अगर हम कोई काम करें, रिसर्च करें, क्योंकि रिसर्च जनरली नया ही होता है, तो वो इसलिए उसको डॉक्टर ऑफ फिलोसफी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस्टेब्लिश एरिया से बाहर जाके काम करता है। और जो नया जो होता है वो फिलोसफी ही, हम सब्जेक्ट का नाम नहीं दे सकते, क्योंकि तो फिलोसफी सभी सब्जेक्ट्स की जननी है। अपने जो एरिया से बाहर जाएगा तो वो फिलोसफी के दायरे में उसको माना जाएगा। और जो नेक्स्ट स्लाइड है इससे हम और इसको समझ सकते हैं। जैसे फिलॉसफी यहाँ पर दर्शाया गया है एक विशाल समुद्र की तरह दर्शाया गया है, और जो अलग अलग सब्जेक्ट्स यहाँ पर दर्शाए गए हैं, जैसे मैथमेटिक्स है, लाइफ साइंस है, सोशल साइंस है, फिजिक्स है, आर्ट्स है, ह्यूमैनिटीज़ है, इनको वेरियस सब्जेक्ट्स के रूप में दर्शाए, इनके अपने अपने एक दायरे हैं। तो फिलॉसफी का दायरा बहुत विशाल है जो सारे सब्जेक्ट्स को समेटे हुए है। इस दायरे से बाहर अगर ये सब्जेक्ट्स जाते हैं, मान लिया जाए सोच ये आर्ट्स जाता है, मैथमेटिक्स इस सब्जेक्ट के दायरे से बाहर आता है, तो फिलोसफी के दायरे में आ जाता है। इसलिए जो नया रिसर्च होता है वो अपने दायरे से बाहर आने की कोशिश करता है, एक नया कुछ सृजन करने की कोशिश करता है, इसलिए उसको तत्काल में हम सब्जेक्ट का नाम ना देंगे, फिलोसफी नाम देते हैं। इस तर्क से हम इसको समझ सकते हैं। तो फाइनली हम कंक्लूजन पर आते हैं। तो इन सारी बातों का मोटा मोटा कंक्लूजन निकलता है सारी इस स्टडीज़ को करने के बाद, इस प्रॉब्लम को, इस क्वेश्चन के ऊपर काम करने के बाद, हम तीन जो पॉइंट्स हैं मुख्य रूप से पाते हैं। पहला पॉइंट है, डॉक्टरल डिग्री इज अवार्डेड टू दोज हु डज सिस्टमेटिक रिसर्च इन नेचर, एग्जिस्टेंस एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट ऑफ फिलोसॉफी। कि डॉक्टरल डिग्री उनको अवार्ड होती है जो सिस्टमेटिक रिसर्च करते हैं जिसमें नेचर में, एग्जिस्टेंस में, रिलेटेड कॉन्सेप्ट में, क्योंकि ये फिलॉसफी के ही दायरे हैं। और फिलॉसफी का दायरा क्या, नेचर, एग्जिस्टेंस, सारा ही दायरा फिलॉसफी कवर कर लेता है जो सारे ही साइंसेस का होता है। कि नेचर और लाइफ के अंदर, एग्जिस्टेंस के अंदर, वैल्यूज के अंदर लगभग लगभग सारे ही सब्जेक्ट आ जाते हैं, इसलिए इसको डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कहा जाता है। उसके शाब्दिक अर्थ के जहन में इसको यहाँ समझाया गया है। और जो नेक्स्ट है वो है कि इन द पास्ट डेज इन मोस्ट ऑफ यूरोप ऑल फील्ड्स, हिस्ट्री, फिलोसफी, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स एंड नेचुरल साइंसेज वर ट्रेडिशनली नॉन एज फिलोसफी। जैसा कि पहले मैंने डिस्कस किया है कि जो पूर्व के दिनों में था, फिलोसफी शब्द जो फिलोसफी सब्जेक्ट के अंदर ही सारे सब्जेक्ट कवर होते थे। और इवन जर्मनी में तो जो फैकल्टी ऑफ लिबरल आर्ट्स हुआ करता था वो फैकल्टी ऑफ फिलॉसफी के रूप में जाना जाता था। तो इस फिलॉसफी का जो शब्द का इस्तेमाल था, उसका यूज हो गया, वो इस्टेब्लिश हो गया इसी रूप में, ट्रेडिशन के रूप में यूज होता 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 अभी इस रूप में इस्टेब्लिश हो चुका है, ये डिग्री नेम इस्टेब्लिश हो गया, इसलिए इसको प्रैक्टिस में लाया जा रहा है। भले ही फिलॉसफी एक अलग सब्जेक्ट हो गया हो, तो इस रूप में भी हम इसको समझ सकते हैं। जो थर्ड है, जो रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू की बात है, क्योंकि सभी रिसर्च जो होते हैं, चाहे आर्ट्स में हो चाहे साइंस में हो, अपने एरिया से बियॉन्ड जाके काम करते हैं। क्यों, जो
एरिया अपना दायरा इस्टेब्लिश दायरा होता है कि उससे बियॉन्ड जाके काम करते हैं, इसीलिए उसको फिलॉसफी कंसिडर किया जाता है, ना कि साइंस या वो जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट इसमें काम कर रहा है उसका नाम देखिए फिलॉसफी को ही फिलॉसफी का नाम दिया जाता है। ये रिसर्च के आधार पर या रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से ये तर्क है। तो आई होप दिस वॉज हेल्पफुल टू लिसनर्स। थैंक्स।